कराची सौराब बूथ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, मुनशियात फरोशों से फायरिंग के तबादले में नौजवान जां बहक, दूसरा जख्मी। अहले इलाका मुश्तल, सुपर हाईवे पर एहतजाज, मुजाहरीन और पुलिस में झड़पें, इलाका मैदान जंग बन गया। बाकी की तहकीकात के लिए DIG ईस्ट इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। घर का भेदी लंका ढाए, कराची जमजमा में सिक्योरिटी गार्ड की साथियों से मिलकर अपना ही बैंक लूटने की कोशिश, अलार्म बजने पर फरार हो गए। पुलिस ने गार्ड को दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। का शिकार ऑपोजिशन एक बार फिर मिल बैठी, मरी में शहबाज शरीफ की रिहाइश का फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी, मुश्तरका सदारती उम्मीदवार के लिए मुशावरत। PP नून लीग मुत्तफिक ना हो तो तीसरी पार्टी से उम्मीदवार लिया जाए, शुरका की नई तजवीज। जमात ने आरिफ अलवी को सदर मुंतखब कराने के लिए कमर कसरी, तरीके इंसाफ की सीनियर क्यादत का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहसीलदारों की हिमायत, आज़ाद अरकान से राब्ता का जायजा लिया जाएगा। कौन बनेगा मुल्क का नया सदर, इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 सितंबर को सुबह 10 बजे तलब, अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में शिबली फराज को कायद ऐवान के लिए नामजद कर दिया, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंदरानी को दरख्वास्त दे दी गई। अपोजिशन ने राजा जफर हक को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त भी दे दी। तब्दीली के ख्वाब की हकीकी ताबीर के लिए दिन रात काम करना होगा, 100 दिन के प्लान पर तेजी से अमल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अराकीन सूबाई असम्बली से गुफ्तगू, DG खान के वफ़द की भी मुलाकात, कहा जनूबी पंजाब के अवाम को हकूक देंगे। पंजाब काबीना फाइनल, डॉक्टर यासमीन राशिद प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजीर होंगी, डॉक्टर मुराद राज को हायर एजुकेशन का कलमदान दिया जाएगा, अब्दुल अलीम खान वजारत बल्दियात और CNW मिलेगी, नासिर खान दुरानी को दाखिली उमूर का सरबराह बनाया जाएगा, वजारत खजाना हुसनैन दरेशक या मखदूम हाशिम जवान वक्त को मिलेगी। आराम हराम है, वजारत रेलवे का नया स्लोगन, जब तक यहाँ हूँ सुकून से नहीं बैठूंगा, मेरा टारगेट आमदन बढ़ाना और खसारा कम करना है। वजीर रेलवे शेख रशीद का इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस का लाहौर शहर में बड़े इश्तिहारी बोर्ड फौरी उतारने का हुक्म, शहर को साफ रखना लॉर्ड मेयर की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सर्विस अस्पताल की लिफ्टें फौरी ठीक करने का हुक्म, कंपनी के CEO 29 अगस्त को तलब। सऊदी अरब से हाजियों की वापसी शुरू, 100 हजाज़े कराम लाहौर पहुंच गए, जुमे की रात एक हाजी ने मस्जिदुल हराम की छत से कूद कर खुदकुशी कर ली, सऊदी हुकाम की तस्दीक, शहरियत का फौरी पता ना चल सका। इस साल यौम दिफा और शहदा, हमें प्यार है पाकिस्तान से के नाम से मनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक कौम 6 सितंबर को मुनफरिद अंदाज में शहदा को खराज तहसीन पेश करेगी, मीडिया और दीगर इदारों के हम आहंग हर पाकिस्तानी मुहिम का हिस्सा बनेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कराची पर बादलों के डेरे, मौसम सुहाना, पेशावर में भी बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान के नाम पर तरक्की पसंद शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े, 10 बरस बीत गए, अहमद फराज की शायरी का सहर आज भी मौजूद है। मकबूजा आबादी में गैर कश्मीरियों को जमीन खरीदने का हक देने की कोशिश, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 30 और 31 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया, Article 35A खत्म करने के केस की समाअत 31 अगस्त को होगी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में स्कूल के करीब पारिंग, एक नौजवान हलाक, दूसरा शदीद जख्मी। साइबेरिया में घोड़े के बच्चे का जिस्म 40,000 साल तक महफूज, बर्फ तले दबे रहने से बच्चे के बाल
खाल आंखें सुम अंदरूनी आजा भी चूं के तू। कोरियन मार्शल आर्ट की वीडियो ने सोशल मीडिया पर ऐसी धूम मचाई कि अगले पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिए। फन का ऐसा मुजाहरा कि आंखें खुली की खुली रह जाएं।